दोस्तों आजकल टाइम का डिमांड बहुत ही ज्यादा हो गया है क्योंकि सभी को बड़ी स्क्रीन में स्ट्रीमिंग गेम्स मल्टीटास्किंग डे टू डे यूजर्स ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Xiaomi की तरफ से Pad 5 Pro के बारे में। इसके सभी स्पेसिफिकेशन को जानेंगे, इसलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम है लेखी और आप देख रहे हैं ARS ग्लोबल इन्फो। तो आइए कुछ तीन लॉन्च हुए हैं Mi Pad 5 सीरीज के। ये वाईफाई वाला वेरिएंट है, इसमें एक आता है जिसमें 5G भी आता है, तो वो सबके बारे में बात नहीं करेंगे, इसके बारे में बात करने वाले हैं। बात करते हैं इस टैब की वेट की, तो ये 520 ग्राम्स का है। अगर आपके बड़े हाथ हैं तो होल्ड कर पाओगे कुछ देर, उसके बाद हाथ दर्द करने लगेगा। डिस्प्ले की तरफ आते हैं तो ये 11 इंचेस की 2.5 के IPS LCD डिस्प्ले आता है। एमोलेड नहीं है, होता तो ज्यादा अच्छा होता। इसका व्यूइंग एंगल सही नहीं है, HDR10+ का सपोर्ट है, इसका मतलब 1 बिलियन से भी ज्यादा कलर्स देख पाओगे और 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट भी आता है। स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो ये आता है Qualcomm Snapdragon 820। देखा जाए तो परफॉर्मेंस रियली अमेजिंग। इसमें दो वेरिएंट आता है 6128GB एंड 6256GB। एक चीज ये है दोस्तों, इसमें LPDDR5 रैम टाइप है एंड UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, उसकी वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस मिलता है डेट इज रियली गुड। बैटरी की अगर बात करूं तो 8600mAh की बैटरी आती है जो आराम से दिन भर जाने चाहिए अगर हेवी यूजेस करोगे तो। और ये टैब 67W चार्जिंग सपोर्ट करता है, 2 घंटे के लगभग में चार्ज हो जाएगा क्योंकि बड़ी बैटरी है। OS के बारे में बात करते हैं तो MIUI 12.5 आता है विच इज बेस्ड ऑन Android 11। कैमरा की तरफ आते हैं तो बैक साइड में डुअल कैमरा सेटअप आता है, एक 13 MP का सेंसर आता है, सेकेंड 5 MP का डेप्थ सेंसर आता है और फ्रंट में 8 MP का सेंसर आता है। जनरली कोई भी टैब से फोटोज वगैरह नहीं लेते हैं, लेकिन टैब के हिसाब से रियली गुड कैमरा क्वालिटी। सेंसर के बारे में बात करूं तो सभी सेंसर आते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर आता है और फेस अनलॉक भी है। कनेक्टिविटी की तरफ आते हैं तो Wi-Fi 6 का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.2 है और वाइडबैंड 11 का सपोर्ट है, तो नेटफ्लिक्स वगैरह आराम से आप देख पाओगे। तो फाइनली अब बात करते हैं प्राइस के बारे में, तो करीब 27-28 में मिलेगा जो बेस वेरिएंट है, और जो हाई वेरिएंट है वो 30 के करीब आएगा। तो दोस्तों ये था Xiaomi का Pad 5 Pro। आपको ये पैड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।